हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ब्लॉग है, इसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है किस विषय में। आज मुझे अपने चिंकारले पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था और मैं काम से आया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी याद आ रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं इससे मिला नहीं था। और ये जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था मेरा, अब मैं आ गया हूँ। और ये जो है गुस्सा दिखा रहा है क्योंकि इसका खाने का टाइम हो चुका है और ये पूरा एकदम खतरनाक लड़का हो चुका, पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और इसकी गुस्सा की तो कोई जवाब नहीं कि ये उड़ा देता है मुझे भी। और अब तो इसका साइज भी देख सकते हैं आप, मेरे हाथ के काफ़ी बराबर हो गया, मेरा हाथ पूरा इसमें आ जाता है। अब ये ऊपर आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लड़का है काफ़ी ज़्यादा शैतान हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इसका सिस्टम भी ख़राब हो चुका है क्योंकि ये जो है अब समय आ चुका है इनको बल्ब में रखने का। गर्मी ख़त्म हो गई है लमसम क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो ये ठंडे पड़े हैं और ये जो ठंडे पड़े हैं तो ये ठंडे ना हो जाएं, इसलिए इनका सिस्टम ज़्यादा बनाना पड़ेगा। और इनकी गुस्सा इतनी है कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है ये लड़का हमेशा। जब देखो तब और वो इसके पास काम ही नहीं है, बस खाना है और लड़ाई करना है। और ब्लैकी अगर इनके रूम में आ जाए तो ब्लैकी का तो मुँह तोड़ देती है मार मार के। क्या हुआ है इनको, क्या हुआ? और अपना नाम बहुत ही अच्छे से जानता है और पूछ तानना है मुझे चपकाने के लिए। ये तन गई पूछ, ये देखिए मतलब पूछ पट्ट से मारता है। इसकी जो पूछ है ये पूरी तरीके से मतलब गुस्सा दिखाता है। ये देखो मतलब एक बार कायदे से चिपक गई ना तो चिलबिला जाएंगे। और ये गुस्सा पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसका खाने का टाइम हो चुका है। इसका खाना मांगने का तरीका थोड़ा अलग है और इसका जो खाना मांगने का तरीका है काफी ज्यादा अलग है। गुस्सा क्या गुस्सा है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या बात है, इतनी गुस्सा करोगे, हम भी मारेंगे। लो लो देखो देखो गुस्सा देख रहे हैं, गुस्सा मतलब गुस्सा देखिए इनकी। हम भी काटेंगे, जाओ हम भी काटेंगे। गुस्सा इतनी है इस लड़के में कि मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, सिर्फ गुस्सा दिखा रहा हूँ। पकड़े देखो कैसे, साइज काफी अच्छा हो चुका है इसका, काफी ज्यादा मस्त हो चुका है। मुझे आज इसको ज्यादा दुलार आ रहा था तो ये मुझे दुलार का बदला ये दे रहा है। खैर इसको खिला देते हैं कुछ, नहीं तो ये मुझे एक दो अगर चिपक गई ना मेरे कायदे से तो काम लग जाएगा मेरा। क्या हुआ है इनको, पापा प्यार नहीं करेगा, अब बताओ। गिरगिटान के पापा बने हैं, सर इसको गिरगिटान कहते हैं भैया। हमको बड़ा मजा आता है कि गिरगिटान पाले हैं लक्की भैया। लेकिन ये देखिए इसका साइज कितना खतरनाक है, मतलब ये देखिए मेरे हाथ के आसपास लमसम है इसका साइज, काफी बड़ा हो चुका है। और जो भी रिएक्शन होगा पब्लिक रिएक्शन आपके तक लाएंगे, और बहुत ही जल्द लाएंगे पब्लिक रिएक्शन, क्योंकि आपको भी दिखाएंगे कि ये जो पब्लिक में जाएगा तो ये क्या भूचाल मचाएगा। इनका खाना हाजिर होने वाला है, बस इनका खाना हाजिर, इनकी मम्मा इनका खाना लिया है, इनको हम खाना ठुसा दें ताकि ये आराम से बैठें। और इनका खाना आ चुका है और इनका जो खाना इस समय हम ये दे रहे हैं, ये जो है अंकुरित चना है, तो अंकुर जो है इसका निकाल लिया है। और जो अंकुर भाई लोग वीडियो देख रहे हो दिल पे ना ले, अंकुरित चने का अंकुर है ये, ठीक है। इनको खिला देते हैं नहीं तो ये एक दो बार और चिपका देंगे। और इनकी क्या है इनको क्या है, मतलब गुस्सा देखो हमेशा इनकी मिन्नी टेढ़ी रहती है। खैर खिला दें भाई साहब, बहुत ज़्यादा दुलारे हैं हमारे। खा लो खाने पीने के मामले में बहुत प्यार आता है इनको, बस खिलाए रहो इनको। गट से अंदर चला गया, काफी अच्छा पेट है दोस्तों, अगर किसी को पालना है ना तो देखा जाए तो इसकी पूछ से मार खाने के लिए तैयार है, क्योंकि जब ये भूखा होता है तो ये ऐसे ऐसे डॉग की तरह भौंक के नहीं मांगते, पूछ चिपका के मांगता है। और काफी अच्छा पेट है इसलिए मैं इसको कुछ कहता भी नहीं, और बहुत प्यार करता है मुझसे। भले थोड़ा गुस्सा है इसका, गुस्सा जायज है क्योंकि मैं काफी दिन बाद इससे मिल रहा हूँ। वैसे इनकी मम्मा इनका ख्याल रखती हैं, इनकी मम्मा इनका ख्याल रखती हैं तो ये अपने मम्मा के पास ज्यादा रहते हैं। तो मेरा क्या है, मैं तो काम से आता हूँ, मस्त रहता हूँ इनके साथ। क्या है और खाना है मतलब इसको अपना नाम पता चल गया कि मेरा नाम हैंकॉक है। क्यों हैंकॉक भैया, काटोगे तो नहीं? हेलो बोलो बस इनका अंदाज ही निराला है। और बहुत ही प्यारा पेट है, हमारी ब्लैकी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई शैतान है इस घर में तो यही है, क्योंकि इनका जो सीन है थोड़ा अलग ही। चलो अच्छा खा लो, अब गुस्सा
मतलब इनकी बुराई ना करो, इनके साथ बात करो बस, फल फल लो छो कंधे पर रख दिया, अभी अपने कंधे पर रख दिया, देखिए कैसे खा गया ये सख्त से अंदर, इसको मेंढक होना चाहिए था, साला बेकार हैंकॉक बन गया। क्या है नार ना काट के नमी बेचती ना डरा देना, बहुत ही क्यूट है लौंडा मेरा, और साल भर का होने वाला है, एक दो महीने में ये साल भर का पूरा हो जाएगा, तो केक कटेगा, खैर सब में बटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाओ अपने उठा खाओ ये, पता नहीं क्या सोच रहा है, कुछ बहुत तगड़े विचार में है। अच्छा लो पूरा खा, पूरा खा, पूरा खा लो, अभी देखते हैं पूरा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। भाई साहब मुंह तो डाल दिए, बहुत ही समझदार होते हैं ये इगुआना, रेप्टाइल के श्रेणी में आते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, इस तरीके से लगता ही नहीं कि ये जो है थोड़ा मतलब देखने में बड़े डरावने होते हैं लेकिन बहुत सीधे होते हैं, बस खाना मांगने का अंदाज वैसे आपने देखा ही कैसे पूछ मार के मांगता है वही अंदाज है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी तो आदत हो गई चट्टे चट्टे खाने की, क्या इसकी पूछ मार नहीं खाते हैं, और ये खाए पिए मस्त रहे बिल्कुल आज़ादी की ज़िंदगी जिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इनके लिए। और ये जो लड़का है इसको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जानवर कोई भी हो जानवर को खाना ही पसंद है क्योंकि उसको दो ही काम होता है खाना और निकालना बस। इसके क्या हुआ नहीं उतरना क्या गले से, भाई साहब के लिए पानी लाना पड़ेगा, ये तो सेठ जी अली सिगार पी रहा है जो उसमें इधर स्वर्ग में है ना खा लो। और बहुत लोग सोचते हैं इसके ऊपर ये कांटे निकले होते हैं, खैर ये कांटे नहीं है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये तो एक खोंखार आदमखोर दिखने के लिए ये पहने रहता है, लो अच्छा नहीं खा पा लो निकाल लें, इनके गले से निकल नहीं रहा था, बहुत सोच रहा लड़का कि करना क्या खाना कैसे, इस लड़के को खिला देंगे ना, अब आपको पास से दिखाते हैं ऐसे ही ये खाता कैसे, बहुत पसंद है इसको ये चीजें, सेक्टर से अंदर चला जाता है, इसको इतना बढ़िया लगता है खाना पीना, और जरा सा खाना लेट हो जाए तो भैया बाहुबली उतर आते हैं इनमें, ये उड़ा देते हैं, किसी कुछ समझते नहीं है क्योंकि इनको ये पता है इस घर में मेरी ही चलनी है और किसी की चलनी नहीं है, राजा की तरह जीता है लड़का मेरा। अभी इसकी हाइट अभी और खुलेगी, कम से कम 4-5 फीट का हो जाएगा और मजबूत लगेगा लौंडा, तब इस पर मैं सवारी करूँगा, मेरा भी नाम चलेगा पापा, अभी तो ये बच्चा है खैर, जुरासिक पार्क बनाऊंगा मैं, मालिक बन जाऊंगा। क्या हुआ अघौड़ी अघौड़ी हमको कहते हैं लोग, समझे हो अघौड़ी कहा जाता है हमको, भाई अघौड़ी पकड़ना है, हम पकड़ना चलो अच्छा खाओ खाओ फिर जल्दी से बाय कर लो अपने दोस्तों से, फिर चलते हैं सोई सोई करते हैं ना, तो खा लो पेट भर गया लग रहा है। चलिए इनको इनको इनके सेटअप पे छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, ये भाई साहब अब सोएंगे क्योंकि खा पी चुके हैं, और ये जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, अब इनको पकड़ो ना इनको पकड़ो ना, इनका मतलब इनको पकड़ो ना, इनको गोदी लिए रहो, चलो बेटा घर चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, भाई साहब क्या लग रहा है क्या लग रहा है लड़का मेरा, ओम फो चलो भैया घर। तो इनको इनके घर पे हमने शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अब हो गया है सोने का टाइम, और घर देख सकते हैं भाई साहब क्या बनाया है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है इनका सेटअप, और ये जो है बल्ब लगाना है बल्ब मंगाना है क्योंकि फ्यूज़ हो गया था, गर्मी काफ़ी थी तो बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अब फिर से जाड़ा आ गया है समझिए आधा इनके लिए, तो इनको बल्ब की ज़रूरत ज़्यादा सख्त से सख्त ज़रूरत है, इसलिए इनके लिए बल्ब का सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये लड़का आराम से अपना रह सके और इसको कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की,
और इनको थोड़ा गर्म जगह पसंद होती है, ये ठंडे में नहीं रह पाते हैं, ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, कोमा में बोले तो ये कोमा में चला जाता है, फिर जब तक ठंडा रहेगा तब तक ये कोमा में रहेगा। इससे अच्छा है इसको कोमा में जाने से बचाने के लिए मुझे इसका बल्ब लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का मुझे ऐसे घूरेगा जैसे अभी घूर रहा है, ये हमेशा घूरा ही करता है मुझे। इसका नाम भूरा रखना चाहिए था, मैंने कहाँ हैंकॉक रख दिया इसका नाम भूरे से, मतलब खाने की जगह फेंकना हो रहा है इनका, पेट भर गया लग रहा है। भाई साहब क्या चीज है यार, पानी पीना है, पानी पिला दें। और खाना है, लो चख, खा लो, खा लो बेटा, खा लो खा लो खा लो खा लो। अरे वाह मेरा बेटा, खा लो खा लो, लो रख, तुम ना खाओ, तुम ना खाओ, अब खा लेंगे भाई साहब, बहुत नाटक है इनके भी। सो गाइस हैंकॉक फुल गुस्से में है क्योंकि इनको आ रही नींद, इनको आ रही है नींद और मुझे भी आ रही है नींद, इसलिए इनका सिस्टम बना के मैं भी जाया सोने। खा लो हैंकॉक, लो खा लो बेटा, अब इनका मन नहीं है, पेट भर गया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए भौकाल के साथ, नए वीडियो के साथ और नए हैंकॉक के गुस्से के साथ, क्योंकि ये जो है इसका बाय बोलने का भी तरीका कुछ अलग ही है, और इसका जो बाय बोलने का तरीका है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको ये पता है कि मैं इसकी कोई बात कर रहा हूँ, और इसलिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।